पंजाब में 19 सितंबर को होने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों को लेकर टिकट पाने के लिए कांग्रेसी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इसी को लेकर आज हल्का गिल के एमएलए कुलदीप पैथ के ऑफिस में काफी तादाद में कांग्रेसी पहुंचे। ब्लॉक समिति का चुनावों का बिगुल बजते ही आज हमारे साथ जो धनराज सिंह जी बताना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे? किस बात है जी, हम पार्टी बाजी से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करेंगे और लोगों ने हमारा काम देखा है। अभी तो हमें पार्टी ने टिकट दिया है, हाईकमांड ने, हम धन्यवाद करते हैं अवनीत बिट्टू जी का, एमएलए भाई साहब का। लेकिन हम पार्टीबाजी से ऊपर उठ गए, पहले हमारे पास कोई औहदा नहीं था, तब भी हम काम करते थे और आगे भी करेंगे। तन मन धन से लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैनिफेस्टो वादे तो सबसे पहले तो ये है जी, हमने सेंटर से एक दांद्रा क्लस्टर है उनमें से 100 करोड़ की ग्रांट हम लेके आए हैं, जो मैडम BDPO बन ने रुपिंदर कौर जी ने बताया है वहाँ पर जाके लोगों को, और वो ग्रांट जारी कर दिया है और वादे, सभी वादे पूरे किए जाएंगे। नशे के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और कैप्टन साहब ने खास कर नशे के ख़िलाफ़ मुद्दा उठाया हुआ है, और हम बिल्कुल भी नशे के खिलाफ, कोई शराब नहीं बांटी जाएगी, कोई भी नशा नहीं, हम बिल्कुल ही नशे का विरोध करते हैं। सर असं तो ये कहने भी जोड़े पुराने कांग्रेसी है उन्होंने ध्यान रख के टिकटा देनिया चाहिए। सरकार के टाइम बन तो बाद बहुत बंदे जोड़े नवे हैं, जोड़े पहले दूजिया पार्टियां से वो इधर आए हैं, हूँ टिकटा की वंट में वो ज़्यादा हाथ पला मार रहे हैं। जोड़े कांग्रेसी है असं तो बेनती लीडर यही करते हैं, जोड़े पक्के कांग्रेसी है उन्होंने ध्यान रख के हो किया जाए। हम डिवेलपमेंट कराएंगे, जो भी गाँव का काम होगा, पिंडा के काम होने सारे असं करावे जी, नालिया का भी काम, जिन्हें सड़कों के सारे काम करावे, जो भी पेंडिंग कोई भी काम पे ने सारे असं कंप्लीट करावे, कोई ऐसी गल नहीं। नहीं जी नहीं, नशे नशा अभी बिल्कुल करांगे, अलाउ नहीं करांगे जी। नशे का मुद्दा अहम जो है पंजाब में माना जाता है, इस बार जो है चुनावों में वो नहीं देखने को मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा, टाइम्स पंजाब टीवी।